नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। सोच बदली, समय बदला और बदल गई रीति, लेकिन हुनर के बावजूद भी भुखमरी की कागार पर हैं किन्नर समुदाय। ये उनका बड़प्पन है कि वह दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं। किन्नर हमेशा समाज में खुशियां बांटने और लोगों को प्रगति के लिए आशीर्वाद देते हैं। इसमें सबसे बड़ा आधार बनता है समाज, लेकिन उनका क्या जो इस श्रेणी में आते ही नहीं। सच पूछिए तो समाज ने किन्नरों की भूमिका तय करने में कभी खासा दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए जिंदगी जीने के लिए वे तबका अपना रास्ता खुद कर लेता है, क्योंकि समाज का ये चेहरा अब बदल चुका है। समाज के चेहरे को एक सच्चा आईना दिखाती है ये रिपोर्ट। हम भले ही किन्नरों को अपनी जिंदगी में शामिल ना करें, भले ही उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखें, लेकिन उनके लवों पर हमेशा हमारी सलामती की दुआ रहती है, क्योंकि जिन्हें अपनों ने ही ठुकरा दिया वो गैरों से शिकवा क्या करें। समाज से ठुकरा दिए गए किन्नरों ने शायद ये समझ लिया है कि अपने जैसों का ही हाथ थाम कर वो दुनिया जी सकते हैं, इसलिए एक साथ रहकर उन्होंने जीवन के संघर्ष से लोहा लेना सीख लिया है। लेकिन जीवन यापन की इसी जद्दोजहद ने किन्नरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को भी जन्म दिया। घरों घरों में खुशियों की बधाई देने वाले किन्नर लोगों को खुशियों के साथ साथ उन्हें बधाई भी देते हैं। कहानी की शुरुआत नोएडा से करते हैं, जहां रहने वाले एक ट्रांस वुमन ने उस रास्ते पर न चलकर अपनी अलग पहचान बनाने की ठानी। बिहार की रहने वाली ट्रांस वुमन पहले बिहार में शुरुआती पढ़ाई की, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली NCR आ गईं, जहां उसने सारी पढ़ाई लिखाई की। ट्रांस वुमन उरूज हुसैन के मुताबिक उसके साथ स्कूल में पढ़ते पढ़ते लड़कों और लोगों की बुरी नजर रहती थी, जिसके साथ ही वो लोगों के ताने सुनते थे। उसे गंदी नजर से देखा जाता था। बचपन बीता, वह बड़ी हुई तो उसे नौकरी की तलाश में दिल्ली NCR में रुक करना पड़ा, जहाँ पर भी उसे नौकरी के दौरान लोग गलत नजरों से देखते थे। फिर उसने ठाना कि दूसरों की नौकरी करने से अच्छा लोगों की गलत नजरों से बचने के लिए उसने अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट के खुलने से पहले भी इसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं ट्रांस वुमन से उसे आखिर अब तक की जिंदगी में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट को खोलने के बाद अब वो दूसरे ट्रांस पर्सन को क्या संदेश देना चाहते हैं। उस मुकाम को बनाने के लिए, उस दौर से अलग होने के लिए उन्हें काफ़ी तालों का सामना करना पड़ा, काफ़ी लोगों से बुराई भलाई लेनी पड़ी। हम खुद उनसे बात करते हैं किस तरीके की परेशानियों को सामने फेस करनी पड़ी थी। मैम, किस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम आती थी? सबसे पहले मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, उन्होंने मुझे इस चैनल पर इन्वाइट किया। हम ट्रांसजेंडर्स की लाइफ में कुछ ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि एक तो हमें बचपन से हम डिफरेंट रहते हैं और लोगों से, जिसकी वजह से लोग हमें काफ़ी बुली और हरास करते हैं। एंड उसके अलावा हमें कोई जॉब टेक्स पे भी बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है एंड हम काफ़ी दूर से जाते हैं। मैम, जॉब के दौरान आपने कहा कि जॉब के दौरान काफ़ी परेशानी होती है, आपने कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ जॉब की कोशिश करी थी और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए कहाँ से लिया। I did my BBA graduate, then after that I did hospitality management and मैंने internship भी की है 52 weeks की, और उस 52 weeks की internship जो मिली थी वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड सा था मेरे लिए वो टाइम वक्त, एंड उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस मैंने चैलेंजेस आए और फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव माय रेस्टोरेंट एंड आई एम वैसे मैं बिहार के बहुत ही छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं इससे रिलेटेड मुझे खुद नहीं पता था कि, बिकॉज मैं जब स्कूल में थी तो काफ़ी मुझे स्कूल लाइक फ्रेंड्स काफ़ी बुली करते थे, एंड उसके अलावा मैं जो आसपास की सोसाइटी थी उस जब भी मैं कभी बाहर जाती थी लोग मुझे छेड़ते थे, मुझे करने का मीन्स करते थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी यू नो काफ़ी ज़्यादा टू टू रही थी। तो आप
ये रेस्टोरेंट आपने शुरू किया है, ये ख्याल कैसे आया और रेस्टोरेंट शुरुआत करने के दौरान आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आई थी? रेस्टोरेंट का इसलिए ख्याल है बिकॉज आई डिड माय हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड मैंने जब इंटर्नशिप की थी तभी उसी दौरान मैंने सोचा था कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँगी देन क्योंकि मुझे एक्चुअल होटल होटल इंडस्ट्री से ही मैं बिलोंग करती हूँ तो तभी मैंने सोचा था कि हाँ अपना कैफे या रेस्टोरेंट ओपन करूँगी। एंड रही बात लाइक कि मैं अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ सोशल वर्कर एंड आई पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी इवेंट्स लाइक जो भी सोशल कॉजेज होते हैं लाइक चैरिटीज एंड ऑल उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा मैंने एक ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल पेजेंट शो था टैग वर्ल्ड वाइड तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज द विनर। नोएडा 119 में स्ट्रीट टेम्पटेशन के नाम से खुले इस रेस्टोरों की मालिक एक ट्रांस वुमेन है। ये दिल्ली एनसीआर का पहला एकमात्र रेस्टोरों है जिसे एक ट्रांस वुमेन ने खोला। इस रेस्टोरों को खोलने से पहले कई लोगों के तानों और उनकी गलत नजरों की शिकार हुई। उर्जू हुसैन ने बताया कि उनको अपने आप को पहचानने में 22 साल लग गए। उन्होंने खुद को अपनी अलग पहचान देने की ठानी और पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में बिहार से दिल्ली आ गई। यहाँ भी इनको इनकी शारीरिक बनावट व इनके बात करने के तरीके से नौकरी मिलने में मुश्किल आनी शुरू हो गई और कंपनी के लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर आपको नौकरी देंगे तो लोगों को इसमें आपत्ति होगी। इसलिए उर्जू हुसैन ने लोगों की मदद के जरिए एक रेस्टोरेंट खोला जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनके रेस्टोरों पर लोग खाना खाने आते हैं और उनके इस हौसले की दाद देकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।